जय जिनेन्द्र, स्वागत है आपका कुंद कुंद कहान भक्ति पाठशाला में। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे श्री लघु सहस्त्र नाम स्तोत्र। इस लघु सहस्त्र नाम स्तोत्र का मतलब है लघु यानी छोटा, सहस्त्र नाम यानी 1008 नामों से जिसमें स्तुति की गई हो। तो किसकी स्तुति की गई हो? श्री जिनेन्द्र परमात्मा की। पर भगवान कौन होते हैं? जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं उन्हें ही भगवान कहते हैं। वीतराग, जिनका राग द्वेष मोहादिक विकारी भाव नष्ट हो चुके हो, वह है वीतराग। सर्वज्ञ, जो तीन लोक तीन काल को एक साथ समीचीन जानते हैं, वो सर्वज्ञ। हितोपदेशी, जो हमारे हित का उपदेश देने वाले हैं, यानी हमारे कल्याण का मोक्ष मार्ग बताने वाले हैं, ऐसे वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी जिनेन्द्र परमात्मा की यहाँ पर 1008 नामों से स्तुति की गई है। अथ लघु सहस्त्र नाम स्तोत्रम्। ॐ नमः सिद्धेभ्यः स्वयंभुवे नमस्तुभ्य मुत्पाद्यात्मनान मान्मनि स्वात्मनैव तथोद्भूत व्रतयेर्चिन्तय व्रतये। अर्थात हे भगवान, आपने स्वयं अपने आत्मा को प्रकट किया है, अर्थात आप अपने आप उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए आप स्वयंभू कहलाए। आपकी आत्मवृत्ति अर्थात आत्मा में ही लीन अथवा तल्लीन रहने योग्य चारित्र अथवा अचिंत्य महात्म की प्राप्ति हुई है, इसीलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्ते जगतांपते लक्ष्मी भर्त्रे नमोस्तुते विदावरम नमस्तुभ्यम नमस्ते वंदतात्वरम। अर्थात हे प्रभु, आप विद्वानों में और वक्ताओं में श्रेष्ठतम है, हितोपदेशी हैं। आपने अंतरंग और बहिरंग दोनों लक्ष्मियों को प्राप्त किया है। अंतरंग लक्ष्मी अनंत चतुष्टय और बहिरंग लक्ष्मी समोसरण आदि अतिशयों से युक्त पना, इसीलिए हे स्वामी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कर्म शत्रु हणम देव मानमन्ते मणिषिण त्वामान मंसुरेण मोली भामालाभ्यर्चित क्रमम। अर्थात हे देव, बुद्धिमान आपको कामदेव रूपी शत्रु का नाश करने वाला मानते हैं, तथा सौ सौ इंद्र भी आपके मुकुट मणि की कांति पुंज से आपके पाद कमलों की पूजा करते हैं, उनके सामने चरणों में शीश झुकाकर नमस्कार करते हैं, इसीलिए मैं भी आपको नमस्कार करता हूँ। ध्यान धूग्रण निर्भिन्न घन घाती महातरु अनंत भव संतान जयादासी दनंतर्जित। अर्थात आपने अपने ध्यान रूपी कुल्हाड़ी से बहुत कठोर घातिया कर्म रूपी बड़े वृक्षों को काट दिया है, तथा अनंत जन्म मरण रूप संसार की संतान को की परंपरा को ही जीत लिया है, इसीलिए आप अनंत जीत कहलाए। त्रैलोक्य निर्जया व्याप्त दुर्दर्पमति दुर्जयम मृत्युराजम विजित्या सिज्जज्जिन मृत्युंजयो भवान। अर्थात हे जिन, तीनों लोकों का जेता होने का जिससे आप अत्यंत गर्व हुआ है, तथा जो अन्य किसी को भी जीत नहीं सकता, ऐसे मृत्यु को भी आपने जीत लिया है, इसीलिए आप ही मृत्युंजय कहलाए। विदुताशेष संसार बंधनो भव्य बांधव त्रिपुरारी स्वत्वमेवासी जन्म मृत्यु जरांत्कृत। अर्थात संसार के सभी बंधनों का नाश करने वाले आप भव्य जीवों के बंधु हैं। आप जन्म मृत्यु और रोग रूपी तीनों शत्रुओं को नाश करने वाले हैं, इसीलिए आप त्रिपुरारी हैं। त्रिकाल विषयाशेष त
तत्व भेदा त्रिधो स्थितम् केवलाख्यम् दधक्चक्षु स्त्री नेत्रोऽसि त्वमीशिता। अर्थात हे आदिश्वर, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के समस्त तत्वों को द्रव्य गुण पर्याय से यानी उनके भेदों सहित जानने योग्य केवल ज्ञान रूपी नेत्र आप ही धारण करते हैं, इसीलिए आप ही त्रिनेत्र हैं। त्वामन्धकान्तकम् प्राहुर्मोहान्धार्सुरमर्दनात् अर्धं ते नारयो यास्मात् दर्धनारेश्वरोऽस्यत। अर्थात आपने मोहरूपी अंधासुर का नाश किया है, इसीलिए आप अंधकांतक कहलाते हैं। आपने आठ में से चार शत्रु, अरि याने शत्रु, अर्ध याने आधे, घातिया कर्म और अघातिया कर्म, चार प्रकार के घाती कर्म का नाश हो चुका है। वैसे पर्याय दो प्रकार की कही है, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। तो आपके स्वभाव व्यंजन पर्याय का तो नाश हो गया है, स्वभाव अर्थ पर्याय अभी शेष है, इस अपेक्षा से भी आपको अर्ध नारीश्वर कहा गया है। शिव शिव पदाध्या साधि दूरी तारी हरो हर शंकर कृत शम लोके शंभवस्त्वं भवन सुखे। अर्थात आप शिव पद अर्थात मोक्ष यानी कल्याण के निवासी हैं, इसीलिए शिव कहे गए हैं। पापों को हरने वाले हैं, इसीलिए हर हैं। जगत का दाह शमने वाले हैं, इसीलिए शंकर हैं। और सुख उत्पन्न करने वाले हैं, इसीलिए संभव कहे जाते हैं। वृषभोसी जगत ज्येष्ठ पुरुहु पुरु गुणो दये ना भेयो ना भी संभूते रिक्षाकुकुल नंदन। अर्थात आप जगत में ज्येष्ठ हैं, इसीलिए आप वृषभ हैं। आप संपूर्ण गुणों की खान होने से पुर हैं, नाभि पुत्र होने से नाभे, नाभि के काल में होने से नाभि संभूत, और इक्ष्वाकु कुल में जन्म लेने की वजह से आपको इक्ष्वाकु कुल नंदन भी कहा जाता है। त्वमेक पुरुष स्कंधा स्त्वं द्वेलोकस्य लोचने त्रम त्रिधा बुद्ध सन्मार्ग स्त्रिज्य स्त्रिज्यान ज्ञान धारक। अर्थात सब पुरुषों में आप ही श्रेष्ठ हैं। लोगों के दो नेत्र होने के कारण आपके दो रूप धारक हैं, तथा मोक्ष के तीन मार्ग में एकत्व को आपने ही जाना है। आप तीन काल को एक साथ देख सकते हैं और रत्नत्र के धारक है, इसीलिए आप त्रिज्य भी कहलाते हैं। चतुःशरण मांगल्य मूर्तिस्त्वं चतुरस्त्रधि पंच ब्रह्मा मयो देव पावनस्त्वं पुनिहि मामम। अर्थात इस जगत में आप ही चार मांगल्यों को एक रूप है और आप चारों दिशाओं के समस्त पदार्थों को एक साथ जानते हैं, इसीलिए आप चतुर्धाई कहलाते हैं। और समवसरण में भी आपके चार मुख दिखाई देते हैं। आप ही पंच परमेष्ठी स्वरूप है, पावन करने वाले हैं, अतः मुझे भी पवित्र कीजिए। स्वर्गावतारिणे तुभ्यां सद्यो जातात्मने नमः जन्माभिषेक वामाय वामदेव नमोस्तुते। अर्थात आप स्वर्गावतारण के समय भी सद्योजात यानी उसी समय उत्पन्न कहलाते हैं थे, और जन्माभिषेक के समय आप बहुत ही सुंदर दिख रहे थे, इसीलिए हे वामदेव आपको नमस्कार है। सन्निष्कांता वयोराय पद्मं परमेशु येशे केवल ज्ञान संसिद्धा विशानाय नमोस्तुते। अर्थात दीक्षा समय में आप परम शांत मुद्रा धारण किए थे, तथा केवल ज्ञान के समय आप परम पद के धारी होकर ईश्वर कहलाए, इसीलिए आपको नमस्कार हो।
पुरुष तत्पुरुषत्वेन विमुक्त प्रतिभाजिनी नमस्तत्पुरुषावस्थां भाविनीं ते अद्य विभ्रति। अर्थात अब आगे शुद्ध आत्मस्वरूप के द्वारा मोक्ष को प्राप्त होंगे तथा सिद्ध अवस्था धारण करने वाले हैं। हे विभो, आपको मेरा नमस्कार हो। ज्ञानावरण निरहासा न नमस्तेंत चक्षुषे दर्शनावरणोच्छेदा न नमस्ते विश्वद्रष्वने। अर्थात ज्ञानावरण कर्म का नाश करने से आप अनंत ज्ञानी और दर्शनावरण कर्म के नाश करने से आप अनंत विश्व को जानने देखने वाले कहलाते हैं। इसीलिए हे देव, आपको मेरा नमस्कार हो। नमो दर्शन मोहन्ने छाई कामल दृश्ये नमाशाद्रित्र मोहन्ने विरागाय महोच्चसे। अर्थात आप दर्शन मोहनीय कर्म का नाश करने से निर्मल छाईक सम्यक दर्शकिन के धारण हैं। चारित्र मोहनी कर्म की क्षय करने से आप वीतराग एवं तेजस्वी हैं। इसीलिए हे प्रभु, आपको मेरा नमस्कार हो। नमस्ते अनंत वीर्याय नमो अनंत सुखात्मने नमस्ते अनंत लोकाय लोकालोकावलोकिने। अर्थात आप अनंत वीर्यधारी अनंत सुख में लीन तथा लोकालोक को देखने वाले हैं। इसीलिए अनंत वीर्य गुण के धारक आपको मेरा नमस्कार हो। नमस्ते अनंत दानाय नमस्ते अनंत बलब्धे नमस्ते अनंत भोगाय नमो अनंतोपभोगिने। अर्थात आपके दानांतराय कर्म का नाश हुआ है और अनंत लब्धियों के धारक हैं। आपका लाभ भोग तथा भोगांतराय कर्म का भी नाश हुआ है। इसीलिए हे विभो, आप अनंत भोग तथा उपभोग को प्राप्त हो। नमः परम योगाय नमस्तुभ्यं मयोनये नमः परम पूताय नमस्ते परमर्षये। अर्थात हे परम देव, आप परम ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं तथा 84 लाख योनियों से रहित हैं। आप परम पवित्र हैं, आप परम ऋषि हैं। इसीलिए आपको मेरा नमस्कार हो। नमः परम विद्याय नमः परम तच्छिदे नमः परम तत्वाय नमस्ते परमात्मने। अर्थात आप केवल ज्ञान के धारी हैं, इसीलिए आपको नमस्कार हो। आप सब परमतों का नाश करने वाले हो। आप परम तत्व स्वरूप हो, रत्नत्रय के धारक हो तथा आप ही परम आत्मा हो। इसीलिए आपको नमस्कार हो। नमः परम रूपाय नमः परम तेजसे नमः परम मार्गाय नमस्ते परमेष्ठिने। अर्थात आप अति सुंदर रूपधारी परम तेजस्वी हो, इसीलिए आपको नमस्कार हो। आप रत्नत्रय रूपी मोक्ष मार्ग के स्वरूप हो तथा आप सर्वोच्च स्थान में रहने वाले परमेष्ठी हो। परमर्धि जुषे धामने परम ज्योतिषे नमः परमं परे तमा प्राप्त धामने परतरात्मने। अर्थात आप मोक्ष स्थान को सेवन करने वाले हैं तथा परम ज्योति स्वरूप हैं। आप अज्ञान रूपी तम अंधकार को पार करने वाले अर्थात परम ज्ञानी प्रकाश स्वरूप हैं। अतः आप सर्वोत्कृष्ट हैं, इसीलिए आपको नमस्कार। नमः शिण कलंकाय शिण बंध नमोस्तुते नमस्ते शिण मोहाय शिण दोषाय ते नमः। अर्थात आप कर्म रूपी कलंक से रहित, कर्मों के बंधन से रहित, आपके मोहनी कर्म नष्ट हो गए हैं तथा आप सब दोषों से रहित हो गए, इसीलिए आपको नमस्कार हो। नमः सुगते तुभ्यं शोभना गतिमीयुषे नमस्ते तिंद्रिय ज्ञान सुखाय तिंद्रियात्मने। अर्थात आप मोक्ष गति को प्राप्त है, इसीलिए आप सुगति है। आप इंद्रियों से न जाने जाने वाले हैं
ज्ञान सुख के धारी हैं तथा स्वयं भी अतीन्द्रिय हैं, अगोचर है, इसीलिए आपको नमस्कार हो। काय बंधन निर्मोक्षित काय नमोस्तुते, नमस्तुभ्यं मयोगाय योगिनामधियोगिने। अर्थात शरीर बंधन नाम कर्म को नष्ट करने के कारण आप शरीर से रहित कहलाते हैं। आप मन वचन काय योग से रहित हो गए हैं। आप योगियों में भी सर्वोत्कृष्ट है, इसीलिए हे विभो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अवेदाय नमस्तुभ्यं, कषायाय ते नमः, नमः परम योगिन्द्र वंदितांगिंग द्वयाय ते। अर्थात तीनों वेदों का नाश करने वाले आपने दसवें गुणस्थान में ही सब नाश कर दिया, इसीलिए आप अवेद कहलाए। आपने कषायों का भी नाश कर दिया है, आप अकषाय कहलाए। परम योगी राज भी आपके दोनों चरण कमलों को नमन करते हैं, इसीलिए हे प्रभो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमः परम विज्ञान, नमः परम संयम, नमः परम दृग दृष्ट, परमार्थाय ते नमः। अर्थात हे परम विज्ञान प्रभु, हे उत्कृष्ट ज्ञान के धारी, हे परम संयम धारी, आप परम दृष्टि से परमार्थ को देखते हैं तथा जगत की रक्षा करने वाले हैं, इसीलिए आपको मेरा नमस्कार हो। नमस्तुभ्य मलेशाय शुक्ल लेशांश कस्प्रशे, नमो भवेतरावस्था व्यतीताय विमोक्षणे। अर्थात हे परम देव, आप लेशियाओं से रहित है तथा शुद्ध परम शुक्ल लेशिया के कुछ उत्तम अंशों को स्पष्ट करने वाले हैं। आप भव्य अभव्य दोनों अवस्थाओं से रहित हैं और मुक्त रूप हैं, इसीलिए आपको मेरा नमस्कार हो। संजना संजनी द्वयावस्था व्यतिरिक्तामलात्मने, नमस्ते वीत संज्ञाय नमशायिक दृष्टे। अर्थात आप संगी भी नहीं है और असंगी भी नहीं है, आप निर्मल शुद्धात्मा धारी हैं। आप आहार भय निंद्रा तथा मैथुन इन चारों ही प्रकार की संज्ञाओं से रहित हैं और आप छायिक सम्यक दृष्टि भी हैं, इसीलिए हे करुणा निधान मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अनाहाराय त्रष्टाय नमः परभाभुजे, अनाहाराय त्रष्टाय नमः परम भाजुषे, व्यक्तिताशे दोषाय भवाभ्यदे पारमीयुषे। अर्थात आप आहार न लेते हुए भी सदैव तृप्त रहते हैं, अतिशय कांति युक्त हैं, समस्त दोषों से मुक्त हैं तथा संसार रूपी समुद्र के पार हैं, इसीलिए आपको नमस्कार हो। अजराय नमस्तुभ्यं, नमस्ते स्ताद जन्मने, अमृतव्ये नमस्तुभं चलायाक्षरात्मने। अर्थात आप जन्म बुढ़ापा मृत्यु से रहित हैं, रोगादि से भी दूर हैं, आप अचल हैं, अक्षरात्म हैं, इसीलिए तारव मेरा आपको नमस्कार हो। अलमास्ताम गुणस्त्रोतम नंतास्ताव का गुणा, त्वाम नाम स्मृति मात्रेण पर्युपासी शिशामहे। अर्थात हे त्रिलोकीनाथ, आपके अनंत गुण हैं, आपके सब गुणों का वर्णन असंभव है, इसीलिए केवल आपके नामों का ही स्मरण करके आपकी उपासना करना चाहते हैं। एवं स्तुत्वा जिनम देव भक्त्या परमया सुधे, पठे दस्तोत्तरम नाम नाम सहस्त्रम पाप शांते। अर्थात इस प्रकार हे श्री जिनेन्द्र देव वीतरागी परमात्मा, आप उत्कृष्ट भक्ति करके सुधी जन आपके आए हुए इन सहस्र 1008 नाम निरंतर पढ़ते हैं और आपके नाम मात्र का स्मरण करने से
सर्व कर्म क्षय हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं, कषायों की मंदता हो जाती है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी हमने यहाँ पर श्री जिन सहस्र नाम पाठ का उच्चारण सहित अर्थ समझा, यह इसकी प्रस्तावना थी। आगे के क्लास में हम एक एक अध्याय का उच्चारण अर्थ सहित समझेंगे। तो आप इसी तरह हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। इस पे और भी जैनागम संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ हैं, इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। यदि आपको कोई चीज़ इसमें नहीं समझ में आती है, किसी का अर्थ नहीं समझ में आता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, जिससे हम आपके प्रश्नों का समाधान करने की कोशिश करेंगे। इस चैनल का उद्देश्य एकमात्र निर्दोष श्री जैन धर्म प्रभावना है और जैनिज्म के संबंधित सभी जानकारियां सबको प्राप्त हो, यही हमारा उद्देश्य है। आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने सम्यक दर्शन को शीघ्र ही प्रकट करने का प्रयास करें। सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय जिनेन्द्र।